नमस्कार। कन्या राशि पर अगले 5 मिनट सबसे महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को देनी है। अगले मास अक्टूबर में कन्या राशि पर सूर्य ग्रहण होने वाला है। कन्या राशि को क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, किन किन बातों की सावधानी आपको रखनी है, ग्रहण से क्या बचाव आपको करना चाहिए और कन्या राशि के लिए कौन सा ग्रह उपयुक्त है और कौन सा कष्ट दे रहा है, थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, कन्या राशि का स्वामी बुध इस समय सिंह राशि में चल रहा है, द्वादश, और कन्या राशि पीड़ित मंगल के द्वारा है और सूर्य के द्वारा, लेकिन मंगल इसका शत्रु है, बृहस्पति की दृष्टि नहीं है। और ये अच्छी बात है कि इसके ऊपर शनि और राहु जैसे ग्रहों की दृष्टि नहीं है। कन्या राशि को जब ग्रहण होगा 14 अक्टूबर को, 14 और 15 की रात को, वो मैं बता चुका हूं कि कितने बजे से कितने बजे तक इसका प्रभाव है, तो कन्या राशि के जातकों को उस दिन स्वयं को आइसोलेट करके एकांत में बैठकर भगवान का भजन करना, किसी विवाद में नहीं फंसना, अपमान का भय रहेगा, चोट का भय रहेगा और पेट का रोग तथा अशांति, तनाव, चिंता, व्यग्रता, उद्विग्नता, बेचैनी, परेशानी रहेगी। कुछ विवाद, कुछ मामले आपको मानसिक तनाव, परेशानी, तनाव देंगे, इसलिए जो मंगल का संचार इस समय हो रहा है ये उत्तेजना कराता है, आपके क्रोध में वृद्धि कराता है और कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ आपके इष्ट मित्र परिजन या जिन जो आपके साथ काम करते हैं या जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे आपको क्रोध आएगा। लेकिन यही तो वो चाहते हैं कि आपको क्रोध आए, लेकिन आपको क्रोध नहीं करना है बिल्कुल भी। सूर्य का जो भी संचार आपकी राशि पर है तो सूर्य गर्म, मंगल भी गर्म ग्रह और वो भी शत्रु राशि, मंगल शत्रु है कन्या राशि का। ऐसी स्थिति में जब मनुष्य क्रोध में कोई काम करता है या कदम उठाता है तो परिवार के अंदर परेशानी होती है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम को बढ़ाता है, क्योंकि मंगल की जब दृष्टि चतुर्थ भाव में होती है तो उसके घर में अशांति, तनाव, घरेलू प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो कन्या राशि को मास के आरंभ से ही, जब अक्टूबर का आरंभ होगा उस टाइम, एक अच्छी समाचार, बहुत बढ़िया समाचार ये है, बुध जो है कन्या राशि पर प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब घर का मालिक घर में बैठा हो तो उसको बाहर की कोई शक्तियां परेशान नहीं करती। स्वग्रही बुध अपनी राशि पर उच्च स्थान पर होगा तो आपकी उलझने, परेशानी बिल्कुल सामान्य रूप से कम हो जाएंगी, धन लाभ होगा, उन्नति के पर्याप्त साधन अवसर मिलते रहेंगे आपको। इसी के साथ साथ केतु जो ग्रह है वो आपके धन स्थान पर, जितना धन आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, जितना क्रेडिट काम करने का आपको मिलना चाहिए घर में या ऑफिस में, परिवार में, बिजनेस में या और अन्य मामलों में, जहां भी आप काम करते हैं, आप वर्कशॉप में हैं, आप एजुकेशन में, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, आप टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, जिस फील्ड में भी हैं आप, वहां आपको जो क्रेडिट है दूसरा आदमी लेने की कोशिश करता है और आपको साइड में हटा करके अपना खुद आपका काम का यश भी खुद ले लेता है। इसी के साथ साथ आप अभी पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे और आपके धन स्थान में केतु है, इसीलिए आपका जो बैंक बैलेंस जितना होना चाहिए उतना आपके टारगेट के हिसाब से, लक्ष्य के हिसाब से उतना नहीं बन पा रहा है। आपके जो, चाहे स्त्री मेंबर है, महिला, चाहे पुरुष मेंबर है, आपके परिवार में कुछ अच्छा और सुखद वातावरण बनेगा अक्टूबर के महीने के अंत में।
सुखद वातावरण बनाने के लिए आपको प्रयत्नशील रहना होगा, शांत रहकर अपने क्रोध को, आवेश को, उद्वेग को रोक करके अपने इष्ट देवता की तरफ ध्यान देना, कुल देवता, पितृ देवता। खास तौर से जिस दिन ग्रहण होगा उस दिन आप अपने इष्ट देवता की पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से आपके इष्ट देवता आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपका मन और ध्यान लगेगा पूजा में। और भी कुछ नहीं आप कर सकते तो सुंदरकांड का पाठ या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अगर जाप नहीं कर सकते तो मोबाइल, टीवी या किसी माध्यम से आप महामृत्युंजय मंत्र को कम से कम 10 या 15 मिनट श्रवण करें। आपकी एकाग्रता, कंसिस्टेंसी और आत्मिक शांति आपको प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कन्या राशि अपने आप में एक बहुत बलिष्ठ, मजबूत, ज्ञानी, बुद्धिमान और अवसर देख करके अपने आप को ढाल लेने वाली राशि वाले व्यक्ति होते हैं। यही कारण है बड़े बड़े शीर्ष पदों पर, उच्च पदों पर मंत्री, ज्ञानी, जज, एडवोकेट, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट या बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को संभालने वाले LIC बैंक आदि के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन विद्वान बुद्धिजन लोग, कन्या राशि वालों को कहूंगा कि आप अपने आप को जिस दिन ग्रहण होगा सुरक्षित रखें, जिस तरह से भी आप रख सकते हैं, और इष्ट देवता की पूजा करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।